हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज थ्री इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज डी वन ग्रेटर देन डी टू ग्रेटर देन डी थ्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू ग्रेटर टू म्यू थ्री आर पुट इन अ बीकर। द हाइट ऑफ द ईच लिक्विड कॉलम इज एच बाय थ्री। अ डॉट इज मेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। फॉर द नॉर्मल विजन द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द डॉट इज। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। हमें पहले क्या गिवन है? तो हमें गिवन है कि हमारे पास एक बीकर है, कुछ इस तरह से एक बीकर है, और उसके अंदर हमें गिवन है लिक्विड्स हैं। ठीक है, तीन लिक्विड्स हैं हमारे पास, D1, D2 और D3, जिनकी डेंसिटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यह है μ1, μ2 एंड μ3, और हमें इनका जो लिक्विड कॉलम की हाइट है वो गिवन है। ईच के लिए कितनी है वो h/3, h/3 और h/3। ठीक है, नाउ हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है अपेरेंट डेप्थ। जो हमारा डॉट है, मान लीजिए एक बीकर के जो मिडल में एक डॉट है, तो इसका जो अपेरेंट डेप्थ होगी, अपेरेंट डेप्थ विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगी? अपेरेंट डेप्थ ड्यू टू, तो यहां पर लिखते हैं ए डी ड्यू टू 1 प्लस ए डी ड्यू टू 2 प्लस ए डी ड्यू टू 3। तो हम तीनों की जो है, तीनों मीडियम्स की अपरेंट डेप्थ यहां पे फाइंड करेंगे। तो देखिए ए डी 1 हमारी क्या होगी, ए डी 1 विल बी इक्वल टू, क्या होता है हमारे पास अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से ये हमारा होता है अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। तो हम ए डी 1 फाइंड करेंगे, ए डी 1 हमारी क्या होगी, रियल डेप्थ है हमारी h/3 डिवाइडेड बाय म्यू 1। तो यहां से ये आएगा हमारा h/3 म्यू 1, AD1 आ गई। सिमिलरली हम लिख सकते हैं हमारे पास जो है AD2 आएगी, AD2 विल बी h/3 म्यू 2 एंड AD3 विल बी h/3 म्यू 3। ठीक है, तो यहां से जो हमारी AD अपरेंट डेप्थ आएगी, टोटल अपरेंट डेप्थ, वो क्या होगी, h/3 म्यू 1 प्लस h/3 म्यू 2 प्लस h/3 म्यू 3। मीन्स ये हमारा क्या होगा, h/3 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3। तो हमारी देखिए ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।